बिजली चमक रही है मस्त वाली। अब तो और जोरों की बारिश शुरू हो गई है। जो एस्पिरेंट्स है वो हड़ताल कर रहे थे, कैसी कैसी परिस्थितियों में उनको रहना पड़ रहा है अपने हक के लिए। ये देखिए, यहाँ से हर थोड़ी देर बाद पानी निकालते हैं, फिर भर जाता है। यहाँ पे सोना बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ पे बहुत मुश्किल सरवाइव करना हो गया है। अब स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है 9:30 और मैं अभी सो के उठ रही हूँ। मतलब नहीं, मैं 8 बजे उठ गई थी पर मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं किया, इसीलिए मैं उठी नहीं, क्योंकि आज है मौसम थोड़ा खराब ना, बाहर धूप लगी है, बादल बादल है। इंटरनेट पर तो वैसे बारिश बताया है पर जो कि होगी नहीं आज, मे भी कल हो। चलो पहले आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज मेरी एनर्जी बिल्कुल चार्ज है, थोड़ी देर के लिए सही पर है। तो बाहर का मौसम हुआ है कुछ ऐसा, ऐसा माहौल हुआ है, कोई धूप नहीं कुछ नहीं। और हाँ, घर के पास भी कुछ बादाम के पेड़ हैं जिसमें भी कि फूल आ ही चुके हैं अच्छे खासे। और नीचे हमारा किचन गार्डन जिसमें हमने बहुत सारी सब्जियाँ उगाई हैं। और वहाँ पे आई है सुबह सुबह एक चिड़िया, सुबह ही लग रही होगी पर टाइम तो हो गया 9:30 से ऊपर। तो अभी मैं करने लगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है आलू गोभी की सब्जी, चपाती और चाय। और देखते ही देखते ना यहाँ पर बारिश भी शुरू हो ही चुकी है, दिख रही होगी आपको बारिश लग गई है और शायद वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होगा। अभी हो रहे दिन के 2:15 और अभी भी बारिश हो ही रही है, सुबह से मीठी मीठी बारिश हो ही रही है, मतलब कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी। और वहाँ पे तो इतनी सारी धुंध जा रही है। तो बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पे मम्मी बोल रहे हैं कि हम मोमोज बनाएंगे, तो हमने थोड़ी सी गोभी चॉप की है और थोड़ी सी प्याज मम्मी काट रहे हैं और साथ में ही मैदा भी गूंद के रख दिया है। तो मोमोज बनाने हमने सीखे थे जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हमने बहुत बार मोमोज बनाए थे। और आज पता नहीं मम्मी को क्यों इच्छा हुई कि आज भी हम मोमोज बनाएंगे, तो अब बना लेते हैं फिर देखते हैं। तो इसके लिए मैं भूनूंगी थोड़ा सा मसाला, जीरा और धनिया है, फिर इसको पीसेंगे। वी अभी भाई हमारे साथ मोमोज बना रही है। बस बस अब नहीं डालने बेटा, हो गए। खुशबू आ रही है? हाँ जी आ रही है ना। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब इनको पीसेंगे। तो अब हम मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डाली है प्याज, तो ये हम मिक्स कर रहे हैं गोभी और बाकी मसाले जो हमारे पास घर में मसाले हमने वही मिक्स किए हैं, थोड़ा सा ही है हमारे पास किचन के। तो ये वाला जो है ये हमने मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार की है और मैंने अब बनाने शुरू कर दिया है मोमोज। ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये थोड़ा ठीक सही है। मम्मी यहाँ पे बना के दे रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट मम्मी बना के दे रहे हैं स्टफिंग, और इनको ये बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हम अब लग गए हैं मोमोज बनाने। तो अभी हमने एक डब्बा बना दिया है मोमोज का और इसमें आए हमारे, ये सबसे बड़ा था पहले वाला क्योंकि ज्यादा बड़ा बन गया था इसका बाहर वाला। 9 मोमोज बने भाई हमारे पहले स्लॉट में। लगा दिए हैं बॉईल करने को, अब इसमें मोमोज रेडी होंगे। तो जो हमने जो अभी मोमोज डाले हैं ये हमने नीचे को डाल दिए हैं और जो पहले के मोमो डाले थे ऊपर डालेंगे। और ये देखो मोमोज बनने भी लग गए हैं, अभी ये तैयार नहीं हुए हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। तो फाइनल कुछ ऐसा है, मैंने इसमें थोड़ा सॉस डाला है और साथ में ही है चाय। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा, अब बैठ के इंजॉय करेंगे, खाएंगे। और आप क्या करेंगे? ये तो रूठने वाली है, आज भी रूठी है, डेली रूठती है, ऐसा एक भी दिन नहीं होता ये रूठे ना। ऐसा क्यों भी आना? क्योंकि मेरी जिंदगी मरने की है। क्या है? मेरी जिंदगी हाँ मरने की है, ऐसा नहीं बोलते। और अंदर से हमारी स्टफिंग ऐसी दिख रही है, यम्मी। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि जो ये मोमोज है ना ये उतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं बने कि उस लेवल की कि भाई यम्मी 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 ऐसे भी नहीं है, पर हाँ खाने लायक है। घर में जो काम चला हुआ है वो वाले टाइप के हैं, ठीक है। मतलब गुड मॉर्निंग भैया, आज सुबह भी बारिश हो रही है, नेक्स्ट डे आज और बिल्कुल बारिश हो रही है झमाझम। देखो कल पूरी रात बारिश हुई है, रात को तो ओले भी पड़े थे। चल नीचे चलते हैं। तो बहुत तेज बारिश हो रही है अभी भी, अब तो और जोरों की बारिश शुरू हो गई है।
पर मैनू की, मैंने तो फिर से सोना चले जाना है। फिर से सोना, मैं वापस आ गई हूँ, किचन चले गई, मैं एक बार पानी पी के आ गई हूँ और अब मैं वापस सोने जा रही हूँ। तो आज सेकंड डे है और आज भी बारिश कंटिन्यूसली चली है और बाहर का मौसम देखो कुछ ऐसा माहौल बना है। इधर को कुछ ज़्यादा डेंजरस सा है क्योंकि उधर तो स्नोफॉल भी हो रहा है, इधर को स्नोफॉल हो रहा है, ऊपर भी पहाड़ी पर स्नोफॉल हो रहा है और इधर से थोड़ा साफ हो रहा है लेकिन आगे को फिर से ख़राब हो रहा है। और पिछले दो दिन से मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने व्लॉग बनाया ज़्यादा, पिछले कल मोमोज बनाए थे, ज़्यादा शूट करने को है ही नहीं, सब अंदर अंदर है, सोए सोए दिन निकल रहे हैं। बिजली चमक रही है मस्त वाली, अभी बिजली चमक रही है उस एरिया में, मुझे लग रहा है फिर से बारिश होगी। बूंदाबांदी तो है अभी भी लगी हुई, हर बारिश शुरू भी होगी, थोड़ी बिजली चमकी और बूंदाबांदी शुरू। और मम्मी ने बनाया है हलवा, लाइट तो चली गई है, लाइट है नहीं अभी पर, लेकिन मम्मी ने हलवा बनाया है। वो भी क्या सोच के कि मैंने मम्मी को एक बार बोला था कि भाई हलवा खाना है, तो मम्मी ने इस करके आज वो हलवा बना है। और देखो ये आटे का हलवा है, साथ में हम लोग आग भी सेक रहे हैं। तो इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए आज पूरा तीसरा दिन है क्योंकि आज भी मौसम ऐसा ही खराब है। सुबह हम लोग सुबह से बिजी रहे, पहले नहाए धोए कपड़े धोए क्योंकि इतने दिनों से अंदर ही अंदर थे, और अब जाके जब थोड़ा ऐसा लगा कि अब कुछ करेंगे उतने में फिर से मौसम खराब हो गया है। तो अब फिर से बादल बादल आ गए हैं और उधर को फिर से ना बर्फबारी हो रही है और सामने से दिख रहा होगा वहां से पूरी धुंध सी आ रही है, ये बारिश आ रही है और उस एरिया से अब इधर को आने लगेगी। और अभी तक ना हमने हमाम जलाया था, बहुत सारा पानी हमने इसमें गर्म किया और अभी भी इसमें गर्म पानी है, लेकिन अब बारिश आ रही है बहुत, तो हम सोच रहे हैं कि अब इसको बंद करना पड़ेगा, तो इसको करना पड़ेगा कवर, तो इसको कवर करना पड़ता है ताकि ये बारिश से ना भीगे। इस तरह से इसको कवर कर दिया है और इसमें गर्म पानी है, चाहे तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं और ये अच्छे से लगना चाहिए। देखो बूंदाबांदी आ रही है और फिर से बारिश। और पता कल से ना बहुत बारिश हो रही है, कल रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी, परसों रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी, कभी कभी तो बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। अभी तक जो इस साल ना इतनी अच्छे से बारिश आई नहीं थी, अब जाके आ रही है। देखो उधर से बारिश आ रही है, इधर मौसम सारा ऐसा हुआ है, उधर को तो बर्फबारी ही हो रही है और यहाँ फिर से बारिश लग गई है। तो अभी बज रहे शाम के 5:30 और मौसम फिर भी वैसा का वैसा ही रहा है और मैं अपने रूम में आई थी, कुछ भी नहीं किया कल, 2-3 दिनों के कुछ भी नहीं किया है। तो अभी चलते हैं चाय पीने, ऐसे मौसम में चाय पीने का मन तो बहुत करता है, तो चाय पीने चलते हैं। और अभी मौसम ऐसा है बीच से खाली है, इधर उधर से चारों तरफ बादल। और अब आई अपनी चाय, अब हम पियेंगे चाय साथ में ही इस व्यू के साथ। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और चारों तरफ सिर्फ आपको लाइट्स ही लाइट्स दिखेंगी, बाकी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अभी ये हमारा गांव इधर को और उधर को हर जगह लाइट्स, दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि तारे हैं लेकिन लाइट्स हैं हर जगह। जब हम छोटे होते थे तब इतनी सारी लाइट्स नहीं होती थी, पर धीरे धीरे अब सब नए नए घर बना रहे हैं, नई नई जगह बस रहे हैं, तो अब बहुत सारी लाइट्स देखने को मिलती है। जो ख़ास तौर से ये वाला एरिया है, इसमें जब हम छोटे थे इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं होती थी, अब इसमें ज़्यादा लाइट्स हैं। तो अभी मैं करने लगी हूँ डिनर, डिनर में है मोनू दाल चावल मक्खन और चपाती। तो अभी मैं डिनर करके अपने रूम आ गई हूँ वापस, लेकिन मुझे अभी आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है। तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने कुछ क्लिप्स भेजी है शिमला से, तो काफ़ी दिनों से वहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है वो हड़ताल कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि हिमाचल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे पोस्ट कोड ऐसे हैं कि जिसके रिज़ल्ट जो है ना घोषित ही नहीं किए जा रहे हैं, पेंडिंग रिज़ल्ट पड़े हैं और सरकार पता नहीं क्या कर रही है, अपने ही खेलों में लगी है, कभी क्या कर रही है कभी क्या, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है या एस्पिरेंट्स है वो धरने पे बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं कुछ दिनों से, तो वो लोग वहीं पे टेंट वगैरह में रह रहे थे। और मैं खुद भी JOIT 817 पोस्ट कोड की एस्पिरेंट हूँ, कैंडिडेट हूँ, तो अभी जो 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो वो लोग उस स्थिति में भी वहाँ पे हैं और बारिश में ही वहाँ पर रह रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं उसकी क्लिप है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो ज़रूर देखें। और
जो गवर्नमेंट है या कोई भी जो नेते होते हैं, जब वोट चाहिए होते हैं तब तो ये एकदम से वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं कि जी हमारी सरकार को वोट दो, हमारी पार्टी को वोट दो, हमारे हमें जिताओ, जो MLA वगैरह होते हैं। लेकिन अभी जो सच में ही युवा रोड पे सोया है और कैसी कैसी परिस्थितियों में उनको रहना पड़ रहा है अपने हक के लिए, और तब भी उनको कोई पूछने नहीं आ रहा है, तो इसके बाद जो क्लिप होगी वो आप देखना और आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो इसके बारे में, क्या किया जा सकता है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप वीडियो देख लो। ये गीला हो रहा है ये तंबू और पानी टपक रहा है ऊपर से, सामने से यहाँ से पानी आ रहा है, सबसे ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे टिकना बहुत ही टफ हो गया है। अब यार यहाँ पे सोना बहुत मुश्किल हो गया है, हर तरफ से पानी टपक रहा है, रजाइयां गीली हो रही है और पानी ही पानी हर तरफ। ये देखिए ये किसी की कमीज, भाई किसी की कमीज भीग रही है यहाँ पे यार। ये देखिए इधर, यहाँ पे देखिए पानी पूरी तरीके से भर गया है, हल्का सा दबाव देंगे तो पानी पानी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से हर थोड़ी देर बाद पानी निकालते हैं, फिर भर जाता है, हर तरफ से पानी है, यहाँ पे बहुत मुश्किल सरवाइव करना हो गया भाई। अब पहले जब तक बारिश नहीं थी तब तक तो ठीक था, पर अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या उन कार्यकर्ताओं ने कभी थोड़ा देर युवाओं का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाहर मत जाओ यार, बाहर मत जाओ यार, ओ भाई बाहर बिजली पड़ रही है, बाहर मत जाओ, बाहर बिजली पड़ रही है यार, मत जाओ बाहर। बहुत ही बुरा हाल हो गया यार यहां पे, पानी से भर गया। तो अभी जो आपने वीडियोस देखी ये सारी शिमला से है, और महीना होने वाला है आई गेस जब से ये सारे जो कैंडिडेट है वो तब से हड़ताल पे बैठे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, पता नहीं कैसी कंडीशन में रह रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ एक चीज करनी है उनको कि जो पेंडिंग रिजल्ट है, जो कि एस्पिरेंट्स ने पेपर दिए हैं, पहले पेपर दिया है, फिर टाइपिंग टेस्ट दिया है, फिर जाके डॉक्यूमेंटेशन भी दी है, और उसके बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके घर वालों को भी सफ़र करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी स्थिति है आजकल हिमाचल की। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, न्योंग। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प के लिए आ सकते हैं प्लीज़ आइए और अपना सपोर्ट दीजिए, और बाकी सिर्फ एक JIT 817 की बात नहीं है, बहुत सारे रिजल्ट है जो कि पेंडिंग है, अगर कोई हिमाचल से देख रहा है तो प्लीज़ जागरूक हो जाइए और साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, किसी भी वे से आप सपोर्ट कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आप किसी भी वे से थोड़ा भी सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुँचाने में हेल्प कीजिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं।